हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंसीव करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है रिलेशन बनाने का? जी हाँ, क्या हमको मॉर्निंग में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी के ज्यादा चांस होते हैं या फिर नाइट में ज्यादा चांस होते हैं? दोनों में डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। जिन लेडीजों को प्रेगनेंसी नहीं लग रही काफी टाइम से, उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि पूरी और सही जानकारी आपको इस वीडियो से मिल सके। तो देखिए, होता क्या है कि मॉर्निंग के जो स्पर्म होते हैं, जी हाँ, उनकी क्वालिटी और जो काउंट होता है स्पर्म काउंट, वो काफी सही होता है, सही क्वालिटी होती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो इसलिए आपको रिलेशन मॉर्निंग के टाइम पे बनाना चाहिए जिससे कि आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सके, प्रेगनेंसी के चांस काफी ज्यादा बढ़ सके। बजाय आपको रात में रिलेशन बनाने के, आपको मॉर्निंग टाइम पे रिलेशन बनाना चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा से ज्यादा हो। मॉर्निंग का टाइम कौन सा? जैसे कि 5 बजे से आप 7 या 7:30 तक, इसके बीच में आप रिलेशन बना सकते हैं। यानी कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो नाइट के बजाय काफी इफेक्टिव होता है। जो स्पर्म होते हैं उनकी क्वालिटी और उनके काउंट काफी सही होते हैं, स्पर्म काउंट और क्वालिटी। तो इसलिए आपको मॉर्निंग में रिलेशन जरूर बनाना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं लग रही काफी टाइम से, या फिर कुछ जो मेल होते हैं उनके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आती है, या फिर जो स्पर्म की मोर्टिलिटी होती है वो सही नहीं होती है, तो उस वजह से उनको मॉर्निंग में रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द लग सके। क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म होंगे, स्पर्म काउंट अच्छे होंगे, तो आपको जो स्पर्म है जब आपने रिलेशन बनाया तो तुरंत वो ट्रेवल कर पाएंगे, ऊपर तक चढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको ऊपर चढ़ना होता है और उसके बाद ट्यूब तक पहुंचना होता है, नली तक, और वहां पे होता है ओवम। ओवम वेट कर रहा होता है और उस दौरान अगर आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा होगा, अंडा निकलने का समय चल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग जाएगी। और या फिर आने वाले 4-5 दिन बाद भी आपको ओवुलेशन टाइम होगा तो आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं। तो आपको रिलेशन बनाना है अपने ओवुलेशन टाइम के नियर बाय, यानी कि या फिर उसी डेट पे बनाएं, या फिर ओवुलेशन डेट जब आपको निकालना आ गया उसके आसपास आप रिलेशन बनाएं। अगर नहीं निकालना आता, मेरी वीडियो है उसको देखिए, काफी इजी तरीके से आप 1 ही मिनट में अपना ओवुलेशन टाइम निकाल देंगे। ओवुलेशन कब होता है आपका? पीरियड से 14 दिन पहले। तो आप 14 माइनस कर लेंगे आपके पीरियड के फर्स्ट दिन से, तो वहां पे आपका ओवुलेशन डेट निकल के आ जाएगा। तो उस दौरान आपको रिलेशन बनाना है और मॉर्निंग टाइम पे बनाना है, मॉर्निंग के 5 बजे, 5:30 बजे से लेके 7-7:30 बजे के बीच में आप बना सकते हैं, जिसमें आपके जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो अच्छे से ऊपर चढ़ पाएंगे। कई बार होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते, या फिर पुरुष के स्पर्म में कमी होती है, मोर्टिलिटी सही नहीं होती। मॉर्निंग में सही स्पर्म क्वालिटी होने की वजह से वो ऊपर तक ट्रेवल कर पाएंगे जल्दी और आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखे। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ, वहां पे भी आप अपने सवाल कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।